आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। टांटिया मामा पर फिर होगा फिल्म का निर्माण। साउथ के अभिनेता निभाएंगे भूमिका। पत्रकारों से की डायरेक्टर एवं अभिनेता ने चर्चा। सनावत निमाड़ के रॉबिन हुड के नाम से अपनी पहचान बनाने वाले टांटिया मामा का इतिहास प्रदेश के अनेक जगह नहीं दिखाया गया। साथ ही उन पर आधारित फिल्म निर्माण के लिए सरकार से सहयोग की अपेक्षा के बाद सरकार ने इस पर बनने वाली फिल्म का निर्देश दिया। इसके बाद बड़े कलाकारों को इस फिल्म से जोड़कर इसका निर्माण रविवार से खंडवा में टांटिया नायक के समाधि स्थल से शुरू होगा। ये बात टांटिया मामा पर बनने वाली फिल्म कंपनी के निर्माता मुकेश आर चौकसे ने नगर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही। श्री चौकसे ने बताया, जननायक टांटा मामा का इतिहास प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में भली भांति परिचित है। वहीं प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी जननायक टांटिया मामा और उनकी कार्यशैली से जन जन को वाकिफ कराने के उद्देश्य से 4 वर्ष पूर्व टांटिया मामा पर फिल्म बनाई थी। इस दौरान चौकसे के साथ साउथ के प्रसिद्ध अभिनेता सुमन तलवारे से चर्चा करते हुए मीडिया के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां तलवार ने भी निमाड़ पर आधारित फिल्मों में काम करते हुए हर्ष जताया। यहां की फिल्मों को लेकर जाएंगे साउथ। रजनीकांत के साथ शिवाजी द बॉस जैसी प्रसिद्ध फिल्म में काम कर चुके तलवारों ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान बताया, अभी तक साउथ की फिल्में अनेक हिंदी फिल्मों में डबिंग कर प्रदर्शित की जाती है, जिसमें एक जैसी स्टोरी एक जैसी कहानी होती है। लेकिन 2 वर्ष पूर्व डायरेक्टर चौकसे ने टांटिया मामा पर फिल्म की बात की, जिसके बाद 2 साल से लॉकडाउन के कारण फिल्म निर्माण कार्य की शुरुआत नहीं हो पाई। चौकसे द्वारा बताई गई कहानी के बाद पहली बार निमाड़ क्षेत्र में आकर इस फिल्म में काम करने का अच्छा अनुभव मिल रहा है। साथ ही इस फिल्म में न प्यार मोहब्बत है न लड़ाई झगड़ा, ये फिल्म सत्य घटनाओं पर आधारित है। जैसे यहाँ की फिल्म बनने के बाद इसे साउथ में भी प्रदर्शित कर मामा के व्यक्तित्व उनके जीवन चरित्र पर नागरिकों का ध्यान खींचा जा सकता है। इस दौरान श्री चौकसे ने फिल्म के अन्य कलाकारों के बारे में जानकारी देते हुए बताया, फिल्म में प्रीति चौकसे, शक्ति कपूर सहित अन्य कलाकार भी शामिल होंगे। टांटिया मामा की फिल्म के अलग अलग कलाकारों के रूप में अपनी भूमिका इस फिल्मों में देंगे। प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा इस फिल्म की अनुमति मिलने के बाद इसमें बड़े स्तर पर कार्य कर बड़ी फिल्म का प्रदर्शन नागरिकों के लिए किया जाएगा, जिसके बाद हर कोई इस फिल्म को देखकर टांटिया मामा के बलिदान और टांटिया मामा की जीवन शैली को समझ सकेगा। सनावत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। इस पार्ट 2 में हम अब बनाने जा रहे हैं, जो कल हम खंडवा में मामा की जो समाधि बनी है वहां पर इसका मुहूर्त कर रहे हैं। और टंटिया मामा की जो जेल थी, जिस जेल में टंटिया मामा को रखा गया था और जिस जेल से टंटिया मामा भगा था, उस जेल में हमने पहले भी शूटिंग करी और अभी भी हमारी 28 तारीख को शूटिंग की परमिशन उस जेल की मिली। और ये पहला मौका है कि किसी भी क्रांतिकारी की जेल में शूटिंग करने का और उस क्रांतिकारी के नाम से उस खंडवा जेल का नाम रखने का, टंटिया मामा का खंडवा जेल। हमारे साथ जो है एक मतलब पावरफुल एक्टर, साउथ के भी सुपरस्टार है और हिंदी में भी अपना नाम अच्छा, जो आज हिंदी बेल्ट जानता है, सुमन तलवार जी हैं। और अच्छे कैरेक्टर हैं, जो एक जमींदार का कैरेक्टर है शिवा चौधरी, जिसके कारण शिवा चौधरी के कारण टंटिया से टंटिया भील मामा बना, वो कैरेक्टर सुमन जी निभा रहे हैं, काफ़ी वो है। और जिस फिल्म के अंदर झांसी की रानी का रोल निभाया था प्रीति चौकसे, ये यशोदा का रोल रखा है, जो कैरेक्टर कहानी है टंटिया की, जिसमें मुख्य 3 किरदार है और 2 अंग्रेज के हैं तो उसके दोस्त है। तो मैंने शिवा चौधरी किरदार जो सुमन जी निभा रहा है बहुत पावरफुल है। दूसरा जो यशोदा किरदार है जो कार्तिकारी में टंटिया का साथ देती हुई निभा रहे हैं, इस तरीके से हम उसकी आगे की कहानी को कल से शुरू करने जा रहे हैं, कल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और कौन कौन सी टंटिया नायक का पार्ट 2 बनने वाला है, जिसके फिल्म करने वाले साउथ के सुपर अभिनेता हमारे साथ है, जैसा फील कर रहे हैं टंटिया मामा? बहुत खुश है सर, आज मुकेश जी ने मौका दिया है टंटिया मामा जो पहले पार्ट 1 बन रहा है, तो उसमें शिवा चौधरी बोल के कैरेक्टर है, कहानी में इम्पोर्टेंट है। एंड मुकेश जी से मुझे 3 साल के पहले मुलाकात हुआ और उनसे उनके प्रोजेक्ट हमने प्लान किया, लेकिन कोरोना के वजह से थोड़ा वो यूज कर हो गया, तो ये प्रोजेक्ट आगे आ गया, तो ऊपर रखने का है। बहुत खुश हूँ इधर आके, एक अच्छा प्रोजेक्ट, कोई हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट है, ये कोई नॉर्मल लव स्टोरी नहीं है, बहुत मजा रहे, इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि जो कहानी जो मुझे जो बता रहा है वो जो रियल रियलिस्टिक में जो हुआ उसको बता रहा है, उसमें थोड़ा एंटरटेनमेंट के थोड़ा चेंज रहेगा, लेकिन सब कुछ तो वही रहेगा, पुराना ज़माने में क्या हुआ और कैसे हिस्ट्री में क्या किया उसके बारे में ये बन रहा है। पहला बार जो मैं ये पिक्चर भी मुझे उम्मीद है अच्छा रेंज आएगा, उसमें अच्छा रेंज आएगा।